हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अभी लेटेस्ट में एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है बीआरओ की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नोटिफिकेशन अभी निकल चुका है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। मैंने ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकाला है, आप भी इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 आपको प्रिंट करना है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपको प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो केवल मेल कैंडिडेट, केवल लड़के अप्लाई करेंगे, लड़कियों के लिए फॉर्म नहीं है। ये जो चार पेज है ना, इसमें ये वाला जो पेज है यही कॉल लेटर है आपका, ठीक है। ये वाला पेज आपका होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए, कॉल लेटर हो गया। उसके बाद आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपके पास में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आईटीआई हो, ट्वेल्थ हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी हो आपके पास, स्किल टेस्ट का कोई सर्टिफिकेट हो वो होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो वो भी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो वो भी लगाइए, EWS वाला सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऑल अदर रिक्वेसाइट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वेटेज मार्क्स, अगर आपको NCC का कोई सर्टिफिकेट है, NCC बी, एक्स सर्विसमैन, जो भी सर्टिफिकेट है आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह यहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर विकलांग है तो वो लगाइए। अटेस्टेशन फ्रॉम ड्यूली फील्ड करेक्टली, आपको अटेस्टेड भी करना है, सारे जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा वो सारे को अटेस्टेड करना है। तो अब यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपका एजुकेशन चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एजुकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पर जैसे आप अगर ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10th+2 आपसे मांगा गया है, आपका कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर का आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर ये दोनों नहीं है तो आप इसमें से नीचे वाला NTC ITI का सर्टिफिकेट, ड्राफ्टमैन का सिविल में आप किया होना चाहिए तो वो भी ये चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये भी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ NCC का बी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, NCC का बी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए अगर आप सुपरवाइजर स्टोर के लिए अप्लाई करें। इस तरीके से आप अपना देख लेंगे, जो भी आपका एजुकेशन यहाँ पर लग रहा है वो एजुकेशन यहाँ पर लगाएंगे, और ये सारे एजुकेशन है। तो अभी मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल फॉर्म है, आप फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे, A4 साइज में, अच्छा खासा पेपर होना चाहिए, बढ़िया। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने भरा है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इसलिए मैंने भरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैट्रिकुलेशन पे ये है आपका। उसके साथ साथ मेरे पास रेडियो ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर देखिएगा, वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो ये है मेरे पास, तो मैं इस एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं रेडियो ऑपरेटर कम्युनिकेशन का अप्लाई किया। उसके बाद देखिएगा, सीरियल नंबर आपसे पूछेगा एडवर्टाइजमेंट में, तो ये देखिए मेरा 6ठा नंबर पर है, ये एडवर्टाइजमेंट 6 नंबर पे है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 6 लिखा। उसके बाद GRF सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुणे वगैरह है, ये आपको ऑटोमेटिक रहेगा। कैटेगरी में आपको जिस कैटेगरी में भी आप बिलोंग करते हैं, जनरल है तो UR पे टिक कीजिए, अपने अनुसार आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। फोटो आपको लगाना है, फोटो पर आप क्रॉस साइन करेंगे, आप अपना लेटेस्ट का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, वो फोटो आप यहाँ पर साइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, 5 नंबर में वेटेज परसेंटेज यहाँ पर आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस लेवल पे भी आपने फॉर्म भरा, जैसे मैंने मैट्रिक पे भरा तो मैंने मैट्रिक का अपना परसेंटेज लिख दिया 75। उसके बाद एडिशनल में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे NCC वगैरह है, तो उसका वेटेज आपको दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में अगर देखिएगा ना, तो उसमें आपको बताया गया है कि आपको कितना वेटेज मिलेगा NCC का बी सर्टिफिकेट पे, और ये वो जो भी है उस पर आपको कितना वेटेज मिलेगा, वो वेटेज आप लिखिएगा। टोटल को काउंट कर लीजिएगा, जैसे 75+5 80% हो रहा मेरा टोटल, तो मैं 80% यहां पर डाल दिया। अब उसके बाद यहां पर अगर आप देखिएगा, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, अगर आप हैं तो आप इसको टिक कीजिए, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो यस पे टिक कीजिए, नहीं आते तो नो कर दीजिएगा। आपका पूरा नाम यहाँ पर देखिए कैपिटल में लिखना है, आपको अगर नाम के बीच में स्पेस है तो आप एक डब्बा को छोड़ देंगे,
उसके बाद पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम भी होगा तो आप पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपसे बोला गया है, तो डेट ऑफ बर्थ को आप अपने अनुसार ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर एज मैं आपको बताया था एज वगैरह कैसे चेक करेंगे, एज वगैरह का भी ये कॉलम था, देख लीजिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ड्राफ्टमैन के लिए भर रहे तो 18 से 27 साल, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए कितना डेट ऑफ बर्थ चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ में भर लेना है। यहाँ पर आपका लोकल एड्रेस, जो इस पर आपको ये एडमिट कार्ड जो आपका है चौथा नंबर पे ये आपको भेजा जाएगा एडमिट कार्ड के रूप में, तो ये आपके घर पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो एड्रेस आप भरिएगा ना वही एड्रेस इधर भी भरना है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला एड्रेस एकदम सही सही आपको भरना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये पहला पेज हो गया, ये सेकंड पेज, अब यहाँ पर सेकंड पेज की बात कर लेते हैं। सेकंड पेज में देखिए नेम ऑफ बैंक SBI, आपको पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। जैसे आपके पास मोबाइल होना चाहिए, देखिए अगर पेज नंबर आप 6 पे जाएंगे ना तो 6 पे देखिए ये नोटिफिकेशन में ना ये लिंक आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 6 में ये ब्लू कलर का नोटिफिकेशन लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा ना नोटिफिकेशन वाले पे, तो आपको एक पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये आपको कंप्यूटर पे आप डायरेक्टली इसको या फिर चाहे मोबाइल से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप इसको डायरेक्टली, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं इसको गूगल क्रोम पे जा करके पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया और उसके बाद मैं पेमेंट के लिए चले जाऊँ। तो देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करना है, वो जो लिंक था वो लिंक आपको कॉपी कर लेना है, लिंक को कॉपी कीजिएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप खोलिएगा तो आपको इस तरीके से SBI का दिखेगा, नीचे में आप देखिएगा आई हैव, इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे में आपको देखिए एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन है, इसको आप प्रोसीड कीजिएगा और देखिए BRO का यहाँ पर खुल के आ जाएगा, इस तरीके से BRO का आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी कैटेगरी होगी, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट फी आपको सेलेक्ट करना है, स्टे एप्लीकेंट नेम आपको यहाँ पर डालना है, अपने फादर का नेम, नेशनलिटी डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, अपना स्टेट, अपना पिन कोड, आधार नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको डालना है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म में देखने को मिलेगा 03/2022, ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर इसमें डाल देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका ट्रेड है, अमाउंट आपका 50 रुपये लग रहा है तो यहाँ पर 50 रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब भर उर करके और सबमिट करेंगे, 50 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएगा। सबमिट जैसे कीजिएगा अकाउंट से 50 रुपये कटेगा, तो आपको उसका एक रेफरेंस नंबर मिलता है। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर आपको इस फॉर्म में यहाँ पर भर देना है। उस रेफरेंस नंबर को 10-12 डिजिट का जो भी मिलेगा उसको यहाँ पर भरिएगा, जिस बैंक से आपने पेमेंट किया उस बैंक का नाम लिख दीजिएगा और जिस डेट में किया है वो डेट और कितना पेमेंट किया वो करके आप कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आपको अगर आप एक सर्विसमैन है, सन ऑफ GRF जो भी है, एम्प्लॉय वगैरह है, NCC का बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, इस तरीके से CPL वगैरह है, जम्मू कश्मीर का माइग्रेंट है, तो यहाँ पर आपको यस नो बताना। इसमें भी आपको वेटेज दिया गया है, अगर आपके पास NCC का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% और 3% इस तरीके से वेटेज मिलेगा, वो सब यहाँ पर बहुत काम आता है छूट। अब नीचे चले आएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, देखिए यहाँ पर आप जिस बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर मैट्रिक पे है तो मैट्रिक की जानकारी दीजिए, इंटरमीडिएट पे है तो इंटरमीडिएट की, तो मेरा मैट्रिक है तो मैंने मैट्रिक की सारे डिटेल यहाँ पर भर दिया। सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट कर देना है, जो भी मार्क्स आपका आया हुआ है मैट्रिक में वो डालिएगा। अगर 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो 500 डाल दीजिएगा, जितना परसेंटेज बना वो परसेंटेज यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर आपका ITI वगैरह है इस तरीके से, या रेडियो मैकेनिक जो भी है आपका, जो भी है आप यहाँ पर उसका सारा डिटेल डाल दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है आपके पास तो उसका भी डिटेल यहाँ पर आपको डाल देना है, कब इशू हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है और कब उसका इनवैलिड वैलिडिटी पीरियड जो भी है सारा कुछ यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये फॉर्म नंबर 2 था, ये फॉर्म नंबर 2 कम्प्लीट हो गया, ठीक है। ये फॉर्म नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको फॉर्म नंबर 3 दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर BRO का CPL, जैसे आपका कोई लेबर वगैरह होते हैं, अगर आपने किया हुआ है 2-3 साल जो भी है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिए,
पढ़ने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए और जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जगह का नाम, जिस डेट में आप फॉर्म को भेजिएगा वो डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको लगाना होगा, ठीक है, अपना बाएं हाथ का अंगूठे का निशान यहाँ पर लगा दीजिएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर मैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। ये लग गया और ये आपका कंप्लीट हो गया लगभग। ये फॉर्म नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब ये फॉर्म नंबर 4, इस वाले पार्ट को आपको बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि यही आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, यही एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो पे आपको देखिए यहाँ पर सारा कुछ आपको बताया गया है, ठीक है। फ़ोटो पे आपको क्रॉस साइन वगैरह है, कर लीजिए। उसके बाद ये ऑफिस यूज है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका नाम, आपका पापा का नाम, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस वही लिखिएगा जो एडमिट कार्ड आपको भेजे BRO, तो आपके घर पे ये पहुँच जाए, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वगैरह लिख लीजिएगा। यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है, उसके बाद आपका साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारा सिग्नेचर और बहुत सारा थंब इम्प्रेशन लगाना है, ये सब आपको नहीं करना है। ये सारा चीज़ यहाँ पर देखिए बताया गया, एट द टाइम ऑफ रिटेन टेस्ट, जब आप रिटेन टेस्ट देने जाओगे तब आपको यहाँ पर साइन करना है, लेफ्ट थंब लगेगा। उसके बाद जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाओगे तब साइन होगा, तब यहाँ पर अंगूठा लगेगा। जब आप प्रैक्टिकल दोगे तब आपका साइन अंगूठा लगेगा, और जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे सर्विस तब आपका लगेगा। तो ये सारा मिलाया जाएगा कि आदमी अलग तो नहीं है, फर्जी है, ऐसा वैसा, ये सारा कुछ आपका मिलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, आपको ध्यान से देख लेना है, और इसके साथ आपको ये सारा चीज़ अटैच कर लेना है। ये सारा चीज़ अटैच करने के बाद अभी मैं नोटिफिकेशन वाले पेज को हटा देता हूँ। आपका आवासीय प्रमाण पत्र अगर है तो वो लगा दीजिए, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल बोलते हैं। आपका मैट्रिक का मार्कशीट लगाइए, EWS सर्टिफिकेट है वो लगाइए, आधार कार्ड है वो भी लगाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है इसके साथ में। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट, एक तो कॉल लेटर ये होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा आधार कार्ड का कॉपी एक ठो लगा दीजिएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट है तो लगाइए, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है वो भी लगा दीजिए, इनकम EWS वगैरह है तो वो लगा दीजिए, ऑल अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी लगा दीजिए। इसके साथ ही साथ 8 फोटो आपके पास में होना चाहिए, तो 2 फोटो तो यहाँ लग गया। आप एक काम कीजिएगा, 2 फोटो और साथ में डाल दीजिएगा इनवेलप में। तो ये आपका ये पूरा एजुकेशन का हो गया। आधार कार्ड जरूर लगाइएगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास वो लगा करके ये पूरा फॉर्म को आपको मोड़ करके, और ये आपको लिफाफा एक तैयार कर लेना है इस तरीके से। ये लिफाफा है, अब यहाँ पर लिखना क्या है लिफाफा में ये चीज़ देख लीजिएगा। ये आपको लिफाफा में ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए ऊपर में, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो मैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन भर रहा हूँ, तो यहाँ पर अंडरलाइन ऑपरेटर कम्युनिकेशन, और कैटेगरी में जनरल है तो मैं UR लिख दिया। आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे, वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन 80, जैसे फॉर्म भरे थे तो यहाँ पर वेटेज आपने लिखा था 80, जैसे मैंने यहाँ पर अपना टोटल किया था, तो वो वाला परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद भेजना कहाँ है, तो टू कमांडेंट ग्रीफ सेंटर दिघी कैंप पुणे, ये एड्रेस है 411015, ये लिखिएगा। यहाँ पर आपका अपना फॉर्म, अपना नाम, अपना एड्रेस, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इनवेलप में लिख देनी है। लिखने के बाद ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको इसके अंदर में डाल देना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप इसके अंदर में भर देंगे। भरने के बाद इसके अंदर आप 2 अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, फ़ोटो के पीछे अपना नाम, अपना नाम लिख दीजिएगा फ़ोटो के पीछे में, इस तरीके से फ़ोटो के पीछे अपना नाम लिखिएगा दोनों फ़ोटो के, और इस फ़ोटो को आपको इसके अंदर में यहाँ डाल देना है। डाल देने के बाद इसको आप पैक कीजिए, और रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस या स्पीड पोस्ट जो भी आपको करना हो, पोस्ट जो भी आपको सुविधा लगे वो जा करके आप पोस्ट ऑफिस में कर दीजिएगा। देख लीजिए क्या क्या लिखना है आपको ऊपर में, यहाँ पर भी आपको दिया गया है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे तो ये दिया गया है द पोस्ट ऑफ जो भी है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सारा चीज़ें यहाँ पर भी लिखा गया, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर लिख करके और इसको फाइनली आप BRO ऑफिस को भेज देंगे। उसके बाद आपका कॉल लेटर वगैरह आएगा, अगर आपका सारा कुछ एडमिट कार्ड वगैरह आता है तो आप एग्ज़ाम दीजिए, और 2-3 स्टेप में एग्ज़ाम होगा आपका, रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह हो जाएगा,
और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो मस्त जॉब है। बीआरओ आपको पता ही, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पर दुर्गम क्षेत्र जैसे बॉर्डर का इलाका है लेह लद्दाख वगैरह में, बॉर्डर से जुड़ा जो भी काम होता है वो बीआरओ करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी, बहुत मस्त की जॉब है ये। अगर वीडियो अच्छा लगो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।